हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एमएससी 002 के फर्स्ट ब्लॉक की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ब्लॉक है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये ब्लॉक इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस ब्लॉक को पढ़ने के बाद आपको इस पूरी सब्जेक्ट का एक बैकग्राउंड पता चलता है, और इस ब्लॉक पे जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो आगे भी यूज होती हैं। तो अगर आप ये ब्लॉक नहीं पढ़ोगे तो आगे के ब्लॉक्स पढ़ने में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि इस ब्लॉक को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है। तो जिन बच्चों ने 11th 12th में ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था, ये ब्लॉक उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ब्लॉक से हमेशा क्वेश्चन तो आता ही है, कभी 20 मार्क्स का, कभी 12 मार्क्स का, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मोर देन वन क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो क्वेश्चन आए, एक 12 मार्क्स का, एक 20 मार्क्स का, तो 32 मार्क्स हो गए। और 100 मार्क्स में से अगर आप 32 मार्क्स अचीव करते हो, मीन्स अटेंड करते हो पेपर में, तो पास होना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनको आसानी से तैयारी करनी है, उनके लिए ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम समझते हैं कि इस ब्लॉक की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो देखिए, पहला जो आपका ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोचेज टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें कुल मिला के 2 यूनिट हैं, एक एक करके समझेंगे। पहला यूनिट है क्लासिकल एंड केंजियन अप्रोच। तो इसकी तैयारी कैसे कर रही है, पहले आप ये समझो इस यूनिट में है क्या। तो जिन बच्चों के पास बुक मिल गई है इग्नू से, वो बुक्स खोल के बैठ जाएं, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पर देखो। तो इस यूनिट में अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया है, इसको छोड़ दो, उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद टॉपिक 1.2 है, इसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई ऑफ डिमांड है लेबर, एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम, आउटपुट एंड प्राइस, मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें से कुछ भी एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, आप क्लास 12th में पढ़ चुके हों और आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हों। तो एक बार ऊपर ऊपर से नजर मार लेना, यहाँ से पेपर में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद जो टॉपिक 1.3 है, यहाँ से ये टॉपिक एग्जाम में आता है। टॉपिक का नाम है वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट। इसका मतलब ये है, इस टॉपिक में ये बताया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कितनी थ्योरी हैं, अलग अलग इकोनॉमिक्स के कुल मिला के 4 ग्रुप्स हैं। अब ये चारों ग्रुप मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, टॉपिक बन के आता है क्लासिकल डाइकोटॉमी। तो इस टॉपिक पे मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 2। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। इसके बाद आते हैं टॉपिक 1.4 पर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इसमें है एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो APC MPC आप 12th में पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो, एक बार नजर मार लेना ऊपर से। कंजम्पशन फंक्शन भी आप 12th में पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो, नजर मार लेना। सेविंग फंक्शन भी आप पढ़ चुके हो, एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन सेविंग ये भी आप पढ़ चुके हो। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन MPC और APC में आई थिंक 2016 में डिफरेंस आया था, एक बार पढ़ लेना। बहुत ईजी सा टॉपिक है, आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो और 12th में पढ़ चुके हो, तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद 1 पॉइंट टॉपिक है फिफ्थ, फिक्स प्राइस केंजियन मॉडल। इसको पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर कर दो, पेपर में आएगा नहीं। और इसको छोड़ दोगे तो आगे कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है। टॉपिक 1.6 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आप 12th में भी पढ़ चुके हो और ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हो, बट मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर एक वीडियो बनाई थी 12th क्लास के लिए, तो आप देखना चाहते हो उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट में इतना ही था, अब हम सेकेंड यूनिट पे आते हैं। तो जो सेकेंड यूनिट है, इस यूनिट का नाम है न्यू क्लासिकल सिंथेसिस। ये यूनिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो सबसे पहले आपको इस ब्लॉक में क्या पढ़ना है, तो आप देखोगे तो टॉपिक है 2.2 इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन अच्छे से पढ़ना, आगे बहुत काम आएगा।
मैंने इस पे एक क्लास बना रखी है और क्लास है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 3। दो क्लास थी पहले वाले ब्लॉक सॉरी यूनिट पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन देख लेना। इसके बाद है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो इस टॉपिक में से ये जो टॉपिक है 2.3, यहां से क्या पेपर में पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप लगभग लगभग हर साल आता है। पिछले साल के पेपर देख लो, पिछले 10 साल में 20 पेपर आएंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार पेपर होते हैं क्योंकि, तो 10 साल में 20 पेपर हो गए। 20 पेपर में ही कम से कम 16 बार आया होगा, ठीक है? तो लिक्विडिटी ट्रैप पर मैंने क्लास बनाई है और क्लास है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 4। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां देख लेना। इसके बाद है टॉपिक 2.4, इक्विलिब्रियम इन रियल सेक्टर आईएएस कर्व। इस पे भी वीडियो बनाइए, देख ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस कर्व जो आपका टॉपिक है 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक 2.5 एलएम कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक 2.6 सिंथेसिस ऑफ रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक 2.2 से लेकर 6 तक कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। और इन सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ठीक है? ये हो गया ब्लॉक 1 की तैयारी कैसे करनी है। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताई थी, जब मैंने MEC 002 की तैयारी कैसे करें इस पे एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताया था आपको सारी यूनिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट एक बात, जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं उनको मिस मत करना, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड ब्लॉक की तैयारी कैसे करनी है। टिल देन गुड बाय।